बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? आप ठीक हैं, खैरियत से? जहाँ की अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानी अदा फरमाए। नाज़रीन, हम आज की वीडियो शॉर्टकट कोशिश करते हैं दिखाने की आपको। ये गांव के बीच में ना, इसकी खासियत ये है कि ये जो सुहाना बाटा है ना, इसकी जिंदा लकड़ी, यानी कैसे करें, बेशक यहाँ से काट लें, नीचे से काट लें, काट के उसको कहीं भी ज़मीन में दबा दें, ये खुद ब खुद जो ना अल्लाह के फजल से, अल्लाह की कुदरत से खुद ब खुद फलना शुरू हो जाता है, यानी कि फूलना शुरू हो जाता है। और ये बड़ा जब दरख्त बन जाता है, तो दरख्त गुजरने की सूरत में, यानी कि जो इसकी उम्र के हिसाब से, जो अल्लाह को ही पता है, तो ये जो ना इसके ऊपर बाटा सब्ज़ी लगना शुरू हो जाती है। ये वो दरख्त है जिस पर सब्ज़ी लगती है, यानी कि सब्ज़ी की तरह ही एक ये बाटा होता है। लेकिन इसके बड़े अहम फायदे ये हैं कि अगर आप इसको चिकन में बनाएं, बीफ के अंदर बनाएं, मटन के अंदर बनाएं, तो उसमें बहुत लजीज ज़बरदस्त बनता है। और ये कुछ यहाँ पे फैमिली ने, हम भी दिखा रहे हैं, उन्होंने ये देखे बनाया है, तोड़ा है अपने घर के लिए। और ये कुछ दिन जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद जो है ना दाना शाना निकाल के फिर उसको पानी में उबालेंगे, उबाल करके उसको तैयार करेंगे, इसके पेड़े टाइप किस तरह के बना के रख देंगे, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद आपको सूरत दिखाते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप, ये जो है ना लड़े नीचे गिराए जा रहे हैं, और ये बंदा जो है ना ऊपर कुल्हाड़ी लेके खड़ा है, उसकी शामत आई हुई है सुहाजने की। ये सुहाजना कहते हैं इसको, बाटा। हालांकि ये अभी सही खाने के काबिल हो चुका है, और तकरीबन अगर फूल वगैरह हो जाते तो ज़्यादा बेहतर था, यानी ज़्यादा फूल नहीं, नॉर्मल थोड़ा सा पक जाता। कोशिश करता हूँ जूम करके आपको दिखाने की, जूम तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। कितना आप देखते हैं ये कितने का जूम होगा, आपने कनाडा करना है, अभी हमने ये देखना है ऊपर से। ये देखे जी, ये मेरे ऊपर आ रही थी, ये गिरी है, और इसके ऊपर एक मिनट यार आप रुक जाएं, हम ये दिखा लें पहले ज़रा। ये देखें जी, ये है माशाल्लाह ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत, ये खाने के काबिल है। नाज़रीन, हम जाना चाहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। मैं फिर किसी और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात करूँगा। अस्सलामुअलैकुम।